अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बता देता हूँ कि आज का बैंक का रेट क्या चल रहा है सऊदी में, वो भी लाइव रेट में आपको बताऊँगा। आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो रेट मैं बताऊँगा वही रेट आपको बैंक से भी मिलेगा। कि जो जिस भी बैंक से आप पैसा लगाते हैं उस जाएंगे तो वही रेट आप बैंक में भी पाएंगे कि जो रेट मैं आपको बताऊँगा। इसलिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको हमारा वीडियो देखिए, लास्ट तक देखिए, आपका टोटल मालूम चल जाएगा। मैं इसमें आपको इंडिया का, पाकिस्तान का और बांग्लादेश और नेपाल का मैं रेट बताऊंगा और कोशिश करूंगा आपको अच्छे से अच्छे रेट मालूम चले। इससे अच्छा रेट कहीं नहीं मिलेगा आपको, और आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। और अभी तक हमारे चैनल को नए पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए अभी शुरू करते हैं, आपको बताते हैं स्टेप बाई स्टेप रेट। अभी जो इंडिया का रेट चल रहा है, अभी मैं आपको इंडिया का रेट बता रहा हूँ। देखिए इंडिया के अल राजीव बैंक में, देखिए ये सब बैंक का, इस साइड में आपको बैंक दिख जाएगा, इधर जो दिखेगा अभी ये आपका रेट दिख जाएगा, फीस दिख जाएगा कितना फीस लगेगा, और इधर जो है आपका रेट लग जाएगा, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल अल राजीव देखेंगे तो आज का अल राजीव का सबसे हाईएस्ट रेट अल राजीव का है। आप अल राजीव से पैसा लगाएंगे सबसे बढ़िया रेट मिलेगा आपको, जिसमें आपको 20 रुपये 50 पैसे का रेट चला। 1 रियाल में आपको 20 रुपये, 20.5 रुपये का यानी 20.5 रुपये का आपका रेट लगेगा। अल राजीव बैंक से लगाएंगे तो एजाज बैंक से, अल राजीव बैंक के मुकाबले में बहुत कम, अभी 4 पैसे की कमी है। एजाज बैंक से अगर आप पैसे लगाते हैं तो आपको 20 रुपये 46 पैसे लगेंगे। वहीं अगर आप मनीग्राम से पैसे लगाते हैं तो इस मनीग्राम में बहुत ज़्यादा पैसे कम, और भी रेट कम हो गया। इधर आप देखिए जितने नीचे जाएंगे आप उतना रेट आपको कम मिलता जाएगा। मनीग्राम से लगाएंगे तो 20 रुपये 24 पैसे मिलेगा इंडिया का, और एक्सप्रेस मनी का लगाएंगे इंडिया का तो आपको मिलेंगे 20-15 का रेट मिलेगा। और वेस्टर्न यूनियन का जो सबसे कम रेट दे रहा है वेस्टर्न यूनियन, वो आपको मिलेगा 20.909 का, यानी आपका सबसे कम रेट वेस्टर्न यूनियन दे रहा है इंडिया का। अगर आप इंडिया पैसा भेजना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया का आप अल राजीव बैंक का पैसा भेजें, ठीक है। अब पाकिस्तान का बता देते हैं आपको कि पाकिस्तान का क्या रेट चल रहा है आज का बैंक का रेट। पाकिस्तान का जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपको अल जमील एक्सचेंज से लगाएंगे सबसे ज़्यादा वही दे रहा है, 53.55 का रेट दे रहा है अल जमील एक्सचेंज। एक्सप्रेस मनी से लगाएंगे 53.52 का देगा, अल राजीव बैंक से लगाएंगे 53.12 का देगा, वेस्टर्न यूनियन से अगर पाकिस्तान पैसा भेजते हैं तो 53.12 का देगा, और सऊदी अमेरिकन बैंक सांबा से अगर आप पैसा भेजते हैं तो 52.47 का रेट लगेगा। अभी आपको बताते हैं बांग्लादेश का, फटाफट बता देते हैं आपको बांग्लादेश का क्या रेट चल रहा है अभी फ़िलहाल में, ठीक है। जैसा देख सकते हैं आप बांग्लादेश का रेट देख सकते हैं, बांग्लादेश का देखिए इधर बैंक आ गया, इधर फीस आ गया और इधर आपका रेट आ गया। तो अल जमील एक्सचेंज से अगर पैसा भेजते हैं बांग्लादेश तो आपको 1 रियाल में 23.34 टका मिलेगा आपको। एजाज बैंक से लगाएंगे तो 23.26 टका का है, अल राजीव बैंक से लगाएंगे तो 23.19 टका का है, सऊदी अमेरिकन बैंक से लगाएंगे सांबा से तो आपको 23.29 का लगेगा। अगर आप एक्सप्रेस मनी से पैसा भेजते हैं तो आपको 23.33 का लगेगा रेट आपका, और बांग्लादेश अगर आप पैसा वेस्टर्न यूनियन से भेजते हैं तो वेस्टर्न यूनियन का रेट अभी फ़िलहाल सबसे कम चल रहा है तो 23.33 का लगेगा। और वही बात करें नेपाल की तो नेपाल से अगर पैसा लगाएंगे तो नेपाल अगर पैसा लगाते हैं तो एजाज बैंक से लगाएंगे पैसा तो आपको सबसे ज़्यादा रेट एजाज बैंक दे रहा है, 32.78 पैसे का रेट है एजाज बैंक का नेपाल का। और भाई अगर आप मनीग्राम से पैसा भेजेंगे तो आपको 32.77 का है, वेस्टर्न यूनियन से भेजेंगे तो आपको 32.70 का मिलेगा, अल राजीव बैंक से मिलेंगे तो 32.76 का मिलेगा, अल जमील एक्सचेंज से भेजेंगे तो 32.81 का मिलेगा, और सऊदी अमेरिकन बैंक सांबा से नेपाल पैसा भेजेंगे तो 32.68 का भेजेगा। तो नेपाल भाइयों से गुजारिश है कि आप एजाज बैंक से पैसा भेजें, आपका सबसे जल्दी सबसे ज़्यादा रेट आपको इसी में मिल रहा है, ठीक है। बस अभी थोड़ी बस इतना ही बताऊंगा अभी आपको, बस आगे कोशिश करूंगा कुछ और रेट लाने के लिए। जैसे रेट रेट बदलता है, जिस दिन भी रेट बदलेगा मैं उस दिन नया वीडियो आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।